तो इंडिया में लॉन्च हो गया रियलमी का एक नया फोन रियलमी C11 जो एक एंट्री लेवल बजट फोन है। देखते हैं उसका फुल फीचर स्पेसिफिकेशन और क्या प्राइस में लॉन्च किया है, वो भी बात करते हैं। सो हे गाइस, अनिक हियर, यू आर वाचिंग TFC। तो बात करते पहले डिस्प्ले के। डिस्प्ले में आप लोग को 6.52 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। और प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें आप लोग को मीडियाटेक हेलियो G35 वाला चिपसेट देखने को मिलता है जो ये पहला फोन है जो इस चिपसेट के साथ लॉन्च किया है। और बैटरी की अगर बात करें तो इसमें आप लोग को 5000 mAh बैटरी मिलता है विथ 10W नॉर्मल चार्जर के साथ। कैमरा की अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 13MP का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है और 2MP का पोर्ट्रेट सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को 5MP का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा मुझे प्राइस जो मतलब जिस प्राइस में ये लॉन्च किया है उस प्राइस को देख के कैमरा मुझे ठीक ठाक लगा। तो प्राइस और वेरिएंट की अगर बात करें तो इसमें आप लोग को दो एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 2GB प्लस 32GB स्टोरेज जो 7500 में लॉन्च किया है। तो मुझे प्राइस बहुत सही लगा। और इसमें आप लोग को एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपना स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हैं। तो यही था पूरा फुल C11 का स्पेसिफिकेशन रियलमी C11 का। और मुझे जो प्राइस में ये लॉन्च किया है मुझे बहुत ही सही लगा। मतलब इसका 8000 या 9000 प्राइस लगा देता तो बहुत ही बेकार जाता, लेकिन ये 7000 या थोड़ा और कम भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक ही है 7500 में ये लॉन्च किया है। मीडियाटेक का हीलो G35 वाला चिपसेट है जिसमें आप लोग थोड़ा बहुत गेमिंग भी कर सकेंगे, 5000 mAh बैटरी है और कैमरा भी ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं है लेकिन हाँ एवरेज कैमरा है। तो मुझे ओवरऑल फोन ठीक ठाक लगा। तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और टेक्नोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी आर साइनिंग ऑफ, पीस।